दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस समय मैं खड़ा हूँ बारह खंबा की जतरा का। आज पूरा आपको व्यू दिखाएंगे। तो ये जतरा कल चालू होने वाली है और एक दिन पहले से दुकानदार आ चुके हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सारी दुकानें लग चुकी है क्योंकि दीपावली एक दिन पहले बनाई गई है। और ये पड़वा का मेला, तो आज अमावस्या होने के कारण कल लगेगा पड़वा के उसमें। तो चलिए दोस्तों, तो पहुंच चुके हैं हम बारह खंबा और सभी दुकानें लग चुकी है। और इधर आ गए हैं हमारे मंथाराम भाई, जिन्होंने लाए हैं डीजे वाली गाड़ी। बाबू, बच्चों के लिए डीजे वाली, शादी का सीजन आ रहा है तो डीजे वाली गाड़ी लगना है, तो क्यों ना उनके लिए। और चश्मे भी हैं बाजू में, तो चश्मे का भी दिखाते हैं। और इधर है ये रखे हैं ट्रैक्टर, अभी सीजन चल रहा है बोनी का, तो खेती बाड़ी के हिसाब से भी यहाँ सीजनेबल चीज़ें आई हुई है बिकने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उधर चावल की दुकान लग चुकी है, चावल के दाने वाली। तो अभी करेंगे हम दर्शन पशुपतिनाथ भगवान के, और उसके बाद में फिर दुकान का श्री गणेश नमा। तो पहुँच चुके हैं बारह खंबे और हमारा स्टॉल जम चुका है। और इधर मंथाराम भाई के उधर ट्रैक्टर और जो डीजे वाली गाड़ी आती है वो है। और इधर सामने में मंदिर, तो अभी हम मंदिर के भी दर्शन आपको करवाएंगे। ये बारह खंबा की जो जतरा होती है दीपावली के एक दिन बाद होती है पड़वा, इस बार आज अमावस्या होने के कारण एक दिन लेट लग रही है। तो काफ़ी दुकानें पहले से आ चुकी है, कल है जतरा। तो मंदिर के सामने लगी है कपड़ों की दुकान, और यहाँ पर है राई झूला, नाव वाला भी है और डोली वाला भी झूला है। और इधर रहा मंदिर, तो चलेंगे पहले मंदिर के दर्शन करेंगे। और दिन ढलता हुआ, कल सुबह का ये मेला, ये सामने ये मेन गेट है बारह खंबा मंदिर पशुपतिनाथ का। मंदिर में पहुंच चुके हैं हम लोग, और यहाँ से दर्शन करिए। अंदर है चल। तो ये जो लगाई हुई है पाइप, इसमें जाता है दूध, जहाँ पर दूध का महत्व है, जो पशुओं को दूध नहीं उतरता, बछड़े नहीं रह पाते, वो मानता करके जाते हैं और फिर दूध चढ़ाने आते हैं यहाँ पर। तो ये पशु पर लगाया, यहाँ से दूध जाकर पीछे इधर कुंड में जाता है। ये देखिए कितनी सारी खाली बॉटलें पड़ी हुई है, आपको विश्वास नहीं होगा। और वो कुंड में ये दूध जाता है, यहाँ पर वो डॉगी पी रहा है, तो उसमें दूध जाता है और इकट्ठा होता है। और ये दूध का कोई उपयोग नहीं है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, कई सालों से ये यहाँ पर चल रहा है। आपने पीछे बैनर पे भी देखा होगा, प्राइस को चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। देखिए पूरी काफ़ी दुकानें ही दुकानें लगी हुई है। देखिए अभी मैंने मंदिर को उधर दिखाया था, तो इधर भी दुकान है, ये देखो इधर स्टूडियो वगैरह झूल है। तो बारह खंबा की यात्रा में सोहेल भाई भी आए, सोहेल भाई का स्टॉल लगा है चावल के सामने वाला।